त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में राजनीतिक दलों उम्मीदवारों तथा शासकीय अर्धशासकीय कर्मियों हेतु लगाया गया आदर्श आचार संहिता 5 मई को समाप्त हो गई, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने का समय 26 मार्च से लागू हुई थी और निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक समस्त पंचायत क्षेत्रों में लागू रहा, लेकिन अब मतगणना समाप्त होने के बाद परिणाम की घोषणा के साथ निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो गई है, जिसके तहत 26 मार्च 2021 से प्रभावी आदर्श आचार संहिता 5 मई को समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, निर्वाचन आयोग के द्वारा आज 5 मई को दिए गए निर्देश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर जो आदर्श आचार संहिता जारी थी वो आज मतगणना की समाप्ति के बाद इसे निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाप्त कर दी गई है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 26 मार्च को जब त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई थी, उस दिन ही से पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू थी। आज 5 मई को चूँकि सभी जगह परिणाम मतगणना के बाद आ चुके थे, इस परिणाम के मद्देनज़र राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार यह आदर्श आचार संहिता समाप्त कर दी गई है।